उनकी भी लीड थोड़ा काफी आगे थी। बुनियादी तौर पर मुजम्मिल पीटीआई के नतायज भी सामने आ गए हैं, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं एनए 163 के ये नतायज हैं। शौकत बसरा साहब लीड कर रहे हैं 4403 वोट्स के साथ और एजाजुल हक साहब यहाँ पर रनर अप अभी तक हैं। बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका बड़ा ताल्लुक रहा और ये एमपीए भी जो है वो रहे, लेकिन कुछ अरसे से ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो है वो चले गए और बहावल नगर जो है वो ये क्योंकि सीट वहाँ की है, इनका आबाई हल्का भी जो है वो वहाँ का है, तो ये वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। लेकिन ये मुकाबला जो एजाजुल हक साहब के साथ इनका है, आई थिंक ये भी एक अच्छा मैच है क्योंकि अभी 11 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है और एनए 44 की बात की जा रही है, इसका रिजल्ट भी अली अमीन गंडापुर का ये हल्का जहां से उन्होंने कंटेस्ट किया है और मौलाना फजल रहमान पीछे हैं। डेरा इस्माइल खान की सीट है जी, डेरा इस्माइल खान में फैसल करीम कुंडी भी हैं, वो अभी पहले दो में तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान का 2018 में भी बड़ा मैच हुआ था और अब भी जो है नतायज कुछ मेरा ख्याल है ये भी कोई बहुत वन वे कॉन्टेस्ट नहीं लग रहा, इसमें फर्क आप देखिए थोड़ा है। तो ये डेरा इस्माइल खान जो है ये यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बेसिकली इस बेल्ट के अंदर भी पिछली दफा दो